तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अंशुल गुप्ता जी। आज हमारे फिर से एक नए रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। सॉरी गाइस, दो दिन वीडियो नहीं आ पाई, माफ़ कर देना, दो दिन वीडियो नहीं आ पाई, कोई बात नहीं, अब वीडियो आ रही है। तो आज हम बनाएंगे सूजी के ढोकला। चलो बनाते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जो कि खाने में और नाश्ते में बहुत ही बढ़िया बनते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस, इधर जो है हमने सूजी ली, ये लगभग 2 कटोरी सूजी है, और इधर ये हमने दही लिया है। इस दही में पानी ऐड करेंगे हम। जब इस दही में पानी डाल देते हैं, तो गाइस इसी दही वाले पानी को हम इसी सूजी में डाल देंगे। आपको थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, और चम्मच से आपको अच्छे से चलाते रहना है। तो गाइस आपको जो है हल्के हल्के हाथों से इसको चलाते रहना है। जब तक चलाना है तब तक ये अच्छे से बैटर इसमें मिक्स ना हो जाए और गांठे ना बन जाए, आपको इसका ध्यान रखना है। गाइस 10 मिनट के लिए अब इस बैटर को हम ढक के रख देंगे। 10 मिनट के बाद इसमें नमक मिलाएंगे। तो चलो अब इसे ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। तो गाइस 10 मिनट हो गए हैं, प्लेट हटा लेते हैं। हमारा जो बैटर अच्छे से सेट हो गया है। अब जो हम इसमें इनो मिलाएंगे, अभी हम इसमें इनो मिलाएंगे। और इधर गाइस हमने जो है भगोना रख दिया है, भगोने के अंदर हमने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। पानी हमने ज़्यादा नहीं रखा है, सिर्फ निशान तक ही रखा है नीचे। और अभी हम इसमें स्टैंड लगा देंगे, ये हम इसमें स्टैंड लगा देंगे। और अभी हम एक कटोरे में बैटर रखेंगे, बैटर कटोरे के अंदर अभी ऑयल लगा देंगे हम। तो गाइस इधर ये हमने कटोरा लिया, इसके अंदर हम ऑयल लगा लेंगे ब्रश से, जिससे हमारा जो बैटर है वो अच्छे से रहे और चिपके नहीं। चारों तरफ अच्छे से हम इसमें ऑयल लगा लेते हैं। तो गाइस अब जो इस बैटर में नमक डाल देते हैं 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून नमक डाल दिया हमने इसमें बैटर में, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे इनो। तो गाइस ये हमने इनो लिया है, ये इनो वही है जो पैकेट में आता है 9 रुपये वाला, इसको हम इसी में मिला देंगे हम। और अच्छे जल्दी से इसको फटाफट फेंट लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा, और अच्छे से फटाफट मिक्स कर देंगे। ये देखिए गाइस, हमारी जो कंसिस्टेंसी है इसकी, ऊपर फूल के आने लग रही है। अब इसी में अब हम कटोरे में रख देंगे, ये हमने कटोरे में ऑयल लगाया था, इस बैटर को भी इसी में डाल देते हैं। और अब इसे रख देंगे भगोने पे। ये हमारा पानी भी गर्म हो गया अच्छे से, पानी में भी हमारे उबाल आने लग गया है। और अब हम बैटर को भी रख देते हैं इसी में, ये देखिए गाइस। और अब जो इसे ढक के रख देंगे, अब इसे ढक देते हैं प्लेट से। ये करीबन आधे घंटे में हमारा जो ढोकला है वो बन के रेडी होगा। गाइस चलो अब इसे ढक देते हैं प्लेट से। 10 से 15 मिनट में हमारा जो ढोकला है वो बन के होगा रेडी। तो चलो 10 से 15 मिनट का वेट कर लेंगे। तो गाइस 10 से 15 मिनट हो गए हैं, प्लेट हटाते हैं हम। तो गाइस हमारा जो ढोकला है वो अच्छे से जो बन गया है, ये देखिए, इसको बाहर निकाल लेते हैं हम। अब जो गाइस इसको एक प्लेट में निकालते हैं ढोकले को अपने। तो गाइज ये जो ढोकला है हमने निकाल लिया है कटोरे से, ये देखो कितना स्पंची हमारा जो ढोकला है फूल के रेडी हो गया है। तो चलो अब इसको फ्राई कर लेते हैं, चलो इसको काट लेते हैं। ये देखो गाइस कितनी अच्छी तरीके से हमारा जो ढोकला है वो कट रहा है। अब हम इसको फ्राई करेंगे, मतलब तड़का लगाएंगे एक तरीके से। गाइस ढोकला जो है हमारा वो कट गया है। तो चलो अब इसको तड़का लगा लेते हैं। तो गाइस ये हमने कढ़ाई लिया, इसके अंदर हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है 1 चम्मच। गाइस हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं जीरा 1 टीस्पून। ये जीरा है, इसमें डाल देते हैं तेल में। जीरा
जीरा हमारा भुंज रहा है। ये हमने मिर्चे काट लिए थे, मिर्चा ये 2 से 3 मिर्च काट लेते लंबी लंबी, इसमें हमने डाल दिया। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसमें जीरा के साथ भूंज लेते हैं। और अब जो गाइस इसमें राई डाल देते हैं, ये राई है काली वाली, अभी इसी में डाल देते हैं हम। मिर्चा हमारे भुंज गया, अब इसमें ढोकला डाल देते हैं। तड़का लगाने के लिए हमने इसमें ढोकला डाल दिया है। अब धीरे धीरे आपको इसको मिक्स करना है। तो गाइस इस तरीके से आपको जो है मिक्स कर लेना है ढोकलों को। देखो अब जो इसमें आधा टीस्पून लाल मिर्च डाल देते हैं। बस अब इसको भी अच्छे से चला लेते हैं। तो गाइस अब जो इसमें नमक डाल देते हैं आधा टीस्पून। गाइस इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं नमक को। तो गाइस हमारे जो ढोकले हैं वो बनके हो गए रेडी। तो चलो अब आपको लगा के दिखाते हैं प्लेट में। तो गाइस हमारे जो ढोकले बनके हो गए फाइनली रेडी, ये देखो। अगर वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर अपने घर में बनाना और हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस हमारे जो ढोकले बन के हो गए पूरे अच्छे तरीके से रेडी, और घर में ज़रूर बनाना। अगर वीडियो अच्छे लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। चलो मिलते हैं आपको इसी के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस जैसा कि आपने देखा ढोकले बन के हो गए बिल्कुल रेडी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो गाइस चलो मिलते हैं आपको इसी के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टाटा एंड बाय बाय।